हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डॉलर इंडेक्स के और गोल्ड के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आज अगर हम डे के चार्ट से स्टार्ट करें तो डे के चार्ट पे हमें जो कैंडल देखने को मिल रही है यहाँ पर DXY में, वो हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है, बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है। और अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी एक अप मूव आया है। हम यूजली ये डिस्कस करते हैं, हमेशा ये डिस्कस करते हैं कि अगर डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होगा तो गोल्ड जो है वो कमजोर होता है, यानी कि डॉलर के अगेंस्ट चलता है गोल्ड। लेकिन आज ये ऑपोजिट क्यों हुआ है? ये ऑपोजिट हुआ है जो इंटरनेशनल लेवल पर जो फैक्टर्स हैं वो मार्केट को बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट कर रहे हैं। देखिए, इस टाइम पे जो है इसराइल और हमास के बीच में जो है वॉर चल रही है, और वॉर की वजह से जो है स्टॉक्स में काफी ज्यादा गिरावट आ रही है। और कौन से स्टॉक्स में बढ़ोतरी आ रही है? बढ़ोतरी आ रही है आपके क्रूड ऑयल में या फिर एनर्जी स्टॉक्स में। अगर आप क्रूड ऑयल यहाँ पे देखेंगे, हम क्रूड ऑयल पे शिफ्ट करते हैं, क्रूड ऑयल देखिए कितना ऊपर जंप करके ऊपर की तरफ ओपन हुआ, और ऊपर और ग्रीन ही कैंडल आज हमें मिली है यहाँ पर। यानी कि क्रूड ऑयल जो है बहुत स्ट्रांगली ऊपर की तरफ जा रहा है। रीजन उसका ये है क्योंकि वॉर की वजह से जो है क्रूड ऑयल और एनर्जी सोर्सेज जो है वो डिप्लीट होते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्रूड ऑयल यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है। हमारा जो गोल्ड है वो भी स्ट्रांग हो रहा है। गोल्ड क्यों स्ट्रांग हो रहा है? क्योंकि जब इस तरह की वॉर लाइक सिचुएशंस होते हैं तो लोग जो है ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं जहां पे उनकी रिटर्न जो है सेफ रहे, उनकी कैपिटल जो है वो सेफ रहे। तो गोल्ड और सिल्वर एक ऐसे एरियाज हैं जिनमें आपकी जो कैपिटल है वो सेफ रहती है। और यहाँ पे रिटर्न कम होता है, इंटरेस्ट जो है काफी कम मिलता है यहाँ पे, लेकिन आपकी जो कैपिटल है वो सेफ रहती है। इसलिए गोल्ड और सिल्वर जो है एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पर गोल्ड जो है ऊपर की तरफ बढ़ा है, और डॉलर इंडेक्स भी इसीलिए ऊपर बढ़ा है क्योंकि यूरो करेंसी जो है वो नीचे की तरफ गिरी है। अब अगर हम यहाँ पे ईयू और यूएसडी पे स्विच करते हैं, ईयू और यूएसडी देखिए, हमारे पास एक रेड कैंडल मिली है आज। रेड कैंडल क्यों मिली है? क्योंकि यूरोप का जो करेंसी है वो इस कन्फ्लिक्ट की वजह से, जो इसराइल और हमास के बीच में प्राइसेस के हमास के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से यूरो करेंसी कमजोर हुई है, और उसके कमजोर होने की वजह से डॉलर भी हमारा स्ट्रांग हुआ है। ठीक है, तो यूरोप और जो डॉलर है, ये हमें पता है यूरो करेंसी और डॉलर जो है बहुत स्ट्रांग कंपिटिटर है एक दूसरे के लिए। तो अगर यूरो करेंसी गिरती है तो डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होता है। तो मल्टीपल फैक्टर्स रहे हैं आज जिनकी वजह से हमें गोल्ड और डॉलर दोनों ही एक अपसेट का मूव देते हुए नजर आए हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल जो फैक्टर्स हैं वो काफी स्ट्रांगली इम्पैक्ट कर रही हैं। लेकिन अगर वन आवर के चार्ट पे हम यहाँ पे स्विच करते हैं तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया है। ये हमारी एक ट्रेंड लाइन बनी हुई आ रही है, ये ब्लैक वाली जो ट्रेंड लाइन है डे के चार्ट पे हमने ड्रॉ करी थी, और ने हमेशा ये डिस्कस किया है कि इसके नीचे अगर मार्केट आती है तो हमें यहाँ पर ट्रेडिंग में ज्यादा देर रुकना नहीं है, क्योंकि यहाँ से मार्केट देखिए यहाँ पे भी पहले नीचे आकर ऊपर जा चुकी है। यहाँ पे भी हमारे पास जो है विक बनी है, उसके वापस ऊपर चली गई है। उसके बाद इस एरिया पर भी विक नीचे तक आई है, उसके वापस ऊपर चली गई है। तो इस एरिया पर जो है मार्केट काफी देर नीचे आई है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम ही मार्केट ऊपर चली गई है, ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाई। सेम चीज यहाँ पर हुई है। हमने जब ये वीडियो रिकॉर्ड करी थी आज के लिए तो हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रांगली गिरी जरूर है मार्केट यहाँ पर, लेकिन अभी ये यहाँ पर साइडवेज जाती हुई नजर आ रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट अपसेट का मूव ले सकती है। तो देखिए, टेक्निकली अगर हम नोटिस करें तो स्ट्रांग मूव के बाद मार्केट साइडवेज जा रही है, वीकनेस आ रही है, साथ के साथ हमें जो ट्रेंड लाइन है ये भी सपोर्ट देती हुई नजर आ रही थी, और यहाँ से अपसेट का मोमेंटम जो है वो एक्सपेक्टेड ही था। तो यहाँ से देखिए टेक्निकली भी ऊपर की तरफ गई है मार्केट, और अगर फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो जो न्यूज है, जो फैक्टर्स है इंटरनेशनल लेवल के, उन्होंने भी मार्केट को ऊपर बढ़ने के लिए सपोर्ट किया है, और इसी की वजह से मार्केट आज हमें एक ग्रीन कैंडल के साथ नजर आ रही है। तो ये रीजन रहे हैं। बाकी हमारे पास एक 106.201 का लेवल था, हमने डिस्कस किया था ये ब्रेक होगा तो हमें बाई साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है, और बाई साइड का बहुत अच्छे से हमें यहाँ पे ट्रेड देखने को मिला है। मार्केट ने सारे ही टारगेट सबसेट के एक्टिवेट हुए हैं और वो हिट भी हुए हैं। अब अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी जो हमने लेवल्स मार्क करे थे उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। गोल्ड में देखिए, हमने जो लेवल मार्क किए थे वो थे हमारे यहाँ से लेवल थे, यहाँ से कैंडल शुरू हुई है। हमने डिस्कस किया था 1832 से ऊपर अगर मार्केट जाती है तो हमारा 1839 फर्स्ट टारगेट, 1844 सेकेंड टारगेट रहने वाला था। लेकिन एक ही घंटे में मार्केट जैसे ही ओपन हुई आज, वैसे ही मार्केट ने स्ट्रांग मूव अपसाइड कर लिया, और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ गई। तो मार्केट ने अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मूव इसीलिए लिया है जो हमने फैक्टर्स अभी डिस्कस किए हैं। अपसाइड के जो टारगेट्स हैं वो बहुत स्ट्रांगली अचीव हुए हैं, एक ही कैंडल में अचीव हो गए हैं यहाँ पर, और उसके बाद मार्केट साइडवेज ही बनी रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट साइडवेज बनी हुई है। अब हम डॉलर इंडेक्स पे स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि कल किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ भी गिर रही है, यहाँ से नीचे की तरफ गिर रही है,
और यहाँ से एक अपमूव बना था, अपमूव बनने के बाद यहाँ से थोड़ा सा गिर गई और अब फिर से एक छोटा सा अपमूव दे रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ड्रॉइंग्स ऑफ करते हैं, यहाँ देखिए मार्केट नीचे की तरफ गिरी थी, यहाँ से नीचे की तरफ गिरी थी, लेकिन इस वाली ट्रेंड लाइन को, ये अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, इस वाली ट्रेंड लाइन को इसको ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। ये रीजन हमने जो वीडियो है उसमें डिस्कस किया था, डाटा की वजह से हुआ था और इमीडिएटली मार्केट नीचे भी गिर गई थी। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट इसको ब्रेक करने की कोशिश करी लेकिन ब्रेक नहीं कर पाई। उसके बाद यहाँ पे अगर हम इस ट्रेंड लाइन को, इमेजिनरी ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कीजिए इस कर्सर के साथ साथ, ये जो एक ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं, इसको यहाँ पर ब्रेक मिला है। अब हम ऑन करते हैं अपनी ट्रेंड लाइन्स को, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखेंगे हम। ये ट्रेंड लाइन हमारी बन रही थी और मार्केट ने इसको इस कैंडल पे ब्रेक करने की कोशिश करी लेकिन वापस नीचे गिर गई है, डाटा की वजह से ऐसा हुआ था। अब यहाँ से इसने इसको ब्रेक कर दिया है, यहाँ से ब्रेक हमें मिल गया है, यानी कि यहाँ से अपसेट का मोमेंटम जो है एक्सपेक्टेड हमें लग रहा है। तो अभी हमें किस तरह से ट्रेड करने को मिलेगा, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी देखिए एक छोटा सा अप ट्रेंड मूव अप मूव बना था जिसको मार्केट यहाँ से ब्रेक कर दिया, लेकिन यहाँ पर भी वापस मार्केट ऊपर बढ़ती हुई ही नजर आ रही है। ठीक है, यानी कि मार्केट नीचे गिरती है तो नीचे सस्टेन नहीं कर रही है, वापस ऊपर की तरफ जा रही है। तो अब अगर हमें कल के लिए ट्रेड्स प्लान करने हैं तो हमारे को पहले डिसिसिव लेवल्स मार्क करने होंगे। जो हमारे डिसिसिव लेवल्स हैं, हम सबसे पहले इस वाली लाइन को पिक करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे। ऊपर की तरफ क्यों शिफ्ट किया है, उसके दो रीजंस हैं। एक तो ये वाला लेवल, ये दो लेवल्स आप देख रहे हैं, और दूसरा लेवल है इस एरिया, यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्गली सपोर्ट लिया है, क्लियर सपोर्ट और क्लियर रेजिस्टेंस। तो एक ये वाला एरिया है रीजन और एक ये वाला एरिया है रीजन इस लाइन को ऊपर शिफ्ट करने का। तो अभी हमारे पास ये जो लेवल है ये हमारा एक डिसिसिव लेवल कंसिडर होगा, इसको हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं। दूसरा लेवल है हमारा 106.292 का लेवल, इसको भी हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं। बाकी जो लेवल्स रहेंगे वो हमारे डिसिसिव लेवल्स रहने वाले हैं, तो इसको हम ग्रीन मार्क करेंगे। तो अभी हमें किस तरह से ट्रेड प्लान करना है, देखिए हमें ट्रेड प्लान करने के लिए अगर 106.365 से ऊपर मार्केट क्लोज देती है तो इमीडिएटली हमारा 106.412 का एक टारगेट बुक हो जाएगा, इजिली अचीव हो जाएगा। ये ब्रेक होता है तो हमारा 106.507 हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा, इसके बाद 106.603 हमारा लेवल रह सकता है। डाउन साइड के लिए अगर मार्केट 106.292 को ब्रेक करती है तो हमें इस लेवल को फिर से पिक करना होगा, इस लेवल को हमें मॉडिफाई करके यहाँ रखना होगा। रीजन उसका ये है क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, साथ ही इस कैंडल पे सपोर्ट मिला है और यहाँ पे भी एग्जैक्टली इसी लेवल पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर शिफ्ट किया है। अब यहाँ से अगर 106.292 को ब्रेक करेगा मार्केट तो 106.221 का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है, और इसके बाद हमें 106.086 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो ये भी हमारा ग्रीन लेवल रहेगा, इसको हम ग्रीन मार्क कर लेते हैं। और इसके बाद अगर 106.086 ब्रेक हुआ तो हमें फिर से एक बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा 105.955 तक का। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं। और जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं जो मार्केट को स्ट्रांगली अफेक्ट कर रही है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। और पॉजिटिविटी अभी भी एक्सपेक्टेड है डॉलर इंडेक्स में और गोल्ड में, इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि मार्केट जो है अपसाइड का मूव ले सकती है। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड की, कि गोल्ड में किस तरह का मूव आ सकता है या आ रहा है। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मार्केट ऊपर की तरफ जा चुकी है, ऊपर जाने के बाद मार्केट साइडवेज चल रही है। ठीक है, साइडवेज चलने का मतलब थोड़ा सा होता है कि वीकनेस आ रही है मार्केट में, लेकिन वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है लेकिन उसके बाद भी मोमेंटम नहीं बन पा रहा है मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ से भी मार्केट मोस्ट प्रोबेबली, यहाँ से देखिए पॉसिबिलिटी लग रही है क्योंकि मार्केट साइडवेज जा रही है, साइडवेज जाने के बाद भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आने के बाद भी मार्केट ऊपर नहीं बढ़ पा रही है, तो हो सकता है कि ये यहाँ से नीचे की तरफ गिर जाए। लेकिन हमें दोनों ही साइड के लेवल जो है वो मार्क करने होंगे। हमें सबसे पहले यहाँ पर एक लेवल मार्क करना होगा, हमारा लेवल रहेगा ये ब्लैक लाइन 1852 का लेवल, 1852 का लेवल हमें मार्क करना होगा क्योंकि इसी लेवल पे स्ट्रॉन्गली मार्केट जो है रेजिस्टेंस फेस कर रही है। ठीक है, तो अभी हमें किस तरह से ट्रेड मिल सकता है, हमारे पास दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं 1852 का और 1849 का। तो 1852.663 हमारा फर्स्ट डिसिसिव लेवल है अपसाइड का और डाउनसाइड के लिए है, और एक लेवल रहेगा हमारा 1849 का, 1849 को भी हम डिसिसिव लेवल कंसीडर करेंगे। तो अब अगर हमारे पास मार्केट ऊपर वाले लेवल को ब्रेक करती है तो बाय साइड प्लान करना होगा, और डाउन साइड वाले लेवल को ब्रेक करती है तो हमें सेल साइड प्लान करना होगा। तो अगर मार्केट 1849 को ब्रेक करती है तो हमारा टारगेट रहेगा 1844 और 1840 का लेवल,
इसके बाद हमें 1840 से 1839 के बीच में वेट करना होगा, इस लेवल में हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, बहुत ही छोटा मूव है यहाँ पे। इसके बाद हमें 1832 का एक नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है, तो ये लेवल आप डाउन साइड के लिए मार्क कर लीजिए। और अपसाइड के लिए हमारे पास सबसे पहले ये लेवल ब्रेक होगा 1852 का, तो हमें 1855 का लेवल देखने को मिलेगा। 1855 ब्रेक होते ही हमें ये ट्रेंड लाइन जो है रेजिस्टेंस दे सकती है, और मोस्ट प्रोबेबली ये जो लेवल है आपका 1863 के अराउंड है, तो 1863 और ये ट्रेंड लाइन जो है ये दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। ये ट्रेंड लाइन सबसे पहले आप मार्क कर लीजिए, ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेंड लाइन सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस देगी। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि कैसे हमने ड्रॉ करी है, किस लेवल पे ड्रॉ करी हुई है। तो ये ट्रेंड लाइन हमने डे के चार्ट पे ड्रॉ करी है, और डे के चार्ट पे आप यहाँ पे ड्रॉ करना शुरू करेंगे। 21 मार्च 2023 से स्टार्ट करेंगे, बॉडी जो है इसके क्लोज की, इस कैंडल के जो क्लोज आया है नीचे की तरफ वहां से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपने ज्वाइन करना है 28 जून का जो लो है पॉइंट, उसको ज्वाइन करना है। उसके बाद 17 अगस्त का जो लो है उसको ज्वाइन करना है। ये पॉइंट्स आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। तो ये लेवल्स रहेंगे हमारे कल के लिए, ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे। और अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स की, लेकिन फंडामेंटल्स पे डिस्कस करने से पहले अगर आप हमारी ईएमई की स्ट्रेटेजी यूज करना चाहते हैं तो आप उसको यूज कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है। साथ ही अगर आप दो चीजें फॉलो कर रहे हैं, यानी कि अगर आप उसकी कंडीशंस फुलफिल होने तक वेट कर रहे हैं, साथ ही साथ आप जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं चार्ट के उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो आपको वो 100% प्रॉफिट ही देकर मार्केट से निकलेगी। तो आप हमारी ईएमई की स्ट्रेटेजी को जरूर यूज कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, उसके बाद रिवर्ट कीजिए। तो हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की। देखिए फंडामेंटल्स में कुछ स्पीचेस आ रही है, थोड़ा बहुत डाटा है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाटा नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास एक डाटा जो मुझे मेन लग रहा था, जो इम्पोर्टेंट इफेक्ट डाल सकता है डॉलर पे या गोल्ड के ऊपर, वो है 2 बजे के अराउंड जीबीपी का डाटा है, लेबर प्रोडक्टिविटी का डाटा है। ये आपके फॉरकास्टेड फिगर्स हैं 0.7, और ये आपके प्रीवियस लेवल है -1.4। देखिए यहाँ पे पॉजिटिविटी एक्सपेक्टेड है, अगर पॉजिटिव हुआ यहाँ पे एक्चुअल फिगर्स भी यहाँ पर पॉजिटिव आए, यानी कि -1.4 से पॉजिटिव आए, बढ़े हुए आए, तो यहाँ पे हमें जीबीपी यूएसडी में इस करेंसी पेयर में हमें एक अप मूव देखने को मिल सकता है। तो इस करेंसी पेयर को मार्क कर लीजिए, टाइम फ्रेम मार्क कर लीजिए। साथ के साथ आप हमारी जो डाटा एनालिसिस की वीडियो है उसको गो थ्रू कीजिए, वहां से आपको और मल्टीपल करेंसी पेयर और टाइम फ्रेम्स आपको मिल जाएंगे जिस टाइम पे मार्केट में एक मूव आपको देखने को मिल सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।